साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पिछले 3 महीने से नवाब मलिक का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ईडी ने जो आरोप मलिक पर लगाए हैं वो इतने गंभीर हैं कि जमानत का रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। मलिक फिलहाल मेडिकल ग्राउंड के आधार पर अस्पताल में शिफ्ट किए जा चुके हैं। पिछले 1.5 हफ्ते से मलिक मुंबई के कुर्ला स्थित क्रिटी केयर अस्पताल में अपनी उन पुरानी बीमारियों का इलाज ले रहे हैं जो जेल में ज्यादा बढ़ गई थी। अब मलिक को लेकर धीरे धीरे उनकी सरकार, उनकी पार्टी के लोग भी खामोश हो चुके हैं। मगर एक बार फिर मलिक का नाम उस वक्त चर्चा में आ गया जब आर्यन खान को एनसीबी की तरफ से क्लीन चिट मिल गई। मलिक जिस सरकार के मंत्री थे, जिस पार्टी की सरकार है और जिस पार्टी से मलिक खुद हैं, सबको अचानक जेल में दिन काट रहे मलिक की याद आ गई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने तो नवाब मलिक को लेकर काफी कुछ कह दिया, यहाँ तक कि उस फर्जीवाड़े का जिक्र भी कर दिया जो कि मलिक के जेल जाने की मुख्य वजह माना जा रहा है। राउत ने उस फर्जीवाड़े को बिल्कुल सही करार देकर सबको हैरान कर दिया। तो क्या कहा संजय राउत ने नवाब मलिक को लेकर? आखिर किस फर्जीवाड़े के नाम पर राउत मलिक का नाम ले रहे हैं? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इस वक्त मुंबई स्थित बॉलीवुड और महाराष्ट्र की सरकार में आर्यन खान को क्लीन चिट मिलना टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। हर कोई शाहरुख खान के घर बधाई लेकर पहुंच रहा है। आर्यन खान को एकदम से फिर से हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। सबूतों के अभाव में बरी हो जाना या क्लीन चिट मिलने का मतलब ये कभी नहीं होता कि गुनाह नहीं किया गया होगा, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है आर्यन खान भी गुनाह में शामिल हो, बस उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले और इसीलिए आर्यन को क्लीन चिट देनी पड़ी। वरना भला ऐसा कहाँ हो सकता है कि कोई कोयले की कोठरी में जाए और बिना दाग के वापस आ जाए। खैर, फिलहाल बात हो रही है कि आखिर आर्यन को क्लीन चिट मिलते ही कैसे महाराष्ट्र की सरकार और पार्टी के लोग भर भर के नवाब मलिक की तारीफें कर रहे हैं। अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी मलिक की तारीफों के जमकर कसीदे पढ़ दिए। राउत ने नवाब मलिक को आर्यन खान मामले में बधाई दी, साथ ही साथ क्रूज ड्रग केस के पीछे के फर्जीवाड़े को उजागर करने के लिए भी बधाई दी। संजय राउत ने उस फर्जीवाड़े को सबके सामने लाने के लिए मलिक की जमकर सराहना की। दरअसल कोल्हापुर में राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नवाब मलिक ने ही इस मामले के पीछे के फर्जीवाड़े और बीजेपी के असली चेहरे को बेनकाब किया था। वो अकेले पूरी केंद्र सरकार और उनकी जांच एजेंसियों से भिड़ गए थे और इसी की कीमत वो अब जेल में रह कर चुका रहे हैं। संजय राउत ने आगे कहा, मैं नवाब मलिक को इस मामले के फर्जीवाड़े और इसके पीछे के तमाशे को उजागर करने और इसे तार्किक अंत तक ले जाने के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने बीजेपी की साजिशों का पर्दाफाश किया जिसकी कीमत वो और उनका परिवार चुका रहा है। अब मीडिया कर्मियों ने संजय राउत से पूछा कि क्या शिवसेना एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी, तो इस पर संजय राउत एकदम चुप हो गए और कुछ सोचते हुए बोले, हमें मांग क्यों करनी चाहिए? क्या सरकार नहीं देख सकती कैसे उन्होंने एक लड़के को झूठे मामले में फंसाया और उसकी जिंदगी तबाह कर दी? राउत ने कहा कि 23-24 साल के लड़के को 1 महीने जेल में रखना और मानसिक प्रताड़ित करना अपने आप में एक अपराध है और सरकार को ये सब दिख रहा है तो सरकार को ही समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच करनी चाहिए। राउत ने कहा कि नवाब मलिक पर भी जो आरोप लगाए गए हैं वो दशकों पुराने हैं। जब ये पीएमएलए एक्ट अस्तित्व में भी नहीं था तब के मामले में फर्जी तरीके से मलिक को फंसाया गया है, जिसकी वजह साफ है कि मलिक ने आर्यन खान मामले में बीजेपी और एनसीबी को आईना दिखा दिया था। मलिक ने जिस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया था वो अब सबके सामने आ चुका है और मलिक के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भी एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। इतना ही नहीं, संजय राउत ने कहा, ये सब साजिश है, बीजेपी की साजिश है, वो हमारे एक एक मंत्री को जेल में डाल रही है। पहले अनिल देशमुख को डाला और फिर नवाब मलिक को, और अब जो अनिल परब पर ईडी की कार्रवाई चल रही है वो भी पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है।
राउत ने कहा, हमारे मंत्रियों को परेशान करके बीजेपी सरकार मुंबई में अपना आधिपत्य जमाना चाहती है। बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जो कि सरासर गलत है। राउत ने आगे कहा, देखना एक दिन आर्यन खान की तरह नवाब मलिक भी बरी हो जाएंगे। यही ईडी मलिक को क्लीन चिट देती नजर आएगी, मगर उसमें वक्त लगेगा। अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानूनी वजहों से हमारे हाथ बंधे हुए हैं, मगर एक न एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा। कुल मिलाकर संजय राउत ने मलिक को फर्जीवाड़ा खोलने के लिए बधाई दी। मलिक की आर्यन केस में मुखर होकर बोलने की तारीफ की। राउत को लगता है कि एक न एक दिन नवाब मलिक को भी आर्यन की तरह क्लीन चिट मिल जाएगी। क्या वाकई में जांच एजेंसियां केंद्र सरकार की कठपुतली है? क्या जांच एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है? और क्या नवाब मलिक पर लगे आरोप फर्जी हैं? राउत की इन बातों से आप कितना सहमत हैं? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आर्यन खान को क्लीन चिट मिलते ही नवाब मलिक का रिएक्शन कैसा था और मलिक ने क्या कुछ कहा, ये आपको बताएंगे। मगर इससे पहले आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलते हैं, जहां 2 अक्टूबर 2021 की आधी रात को आर्यन खान को कार्डेलिया क्रूज से पकड़ा गया था और 3 अक्टूबर को अरेस्ट कर लिया गया था। ये खबर पूरे देश और दुनिया के लिए काफी चौंकाने वाली थी, क्योंकि आर्यन खान बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा है। अब इस ड्रग केस में आर्यन खान जहां बुरी तरह फंस चुके थे, बड़े से बड़े वकील भी आर्यन को जमानत दिलवाने में नाकाम साबित हो रहे थे। वहीं नवाब मलिक एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने एनसीबी की इस पूरी कार्रवाई को पहले दिन से ही गलत करार दिया और आर्यन की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया था। मलिक ने ट्विटर के जरिए एनसीबी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और समीर वानखेड़े पर भी कई तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए। मलिक के इन ट्वीट्स का इतना असर हुआ कि वानखेड़े को एनसीबी पद से हाथ धोना पड़ा। मलिक ने वानखेड़े की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ को आर्यन केस में बुरी तरह घसीट दिया। अब 8 महीने बाद तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आर्यन को बचाने वाले मलिक खुद जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। सबूतों के अभाव में भले ही आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन मलिक खुद इस वक्त मुश्किलों के घेरे में हैं। फरवरी से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुरी तरह फंसे हुए हैं। मलिक कभी जेल तो कभी अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। फिलहाल मलिक मुंबई के कुर्ला स्थित क्रिटी केयर अस्पताल में एडमिट हैं और पूरे पुलिस घेरे के बीच में इलाज ले रहे हैं। अब मलिक को जैसे ही आर्यन की क्लीन चिट की खबर मिली तो अस्पताल में मलिक ने हंगामा खड़ा कर दिया। सूत्रों की माने तो मलिक ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि जिस समीर वानखेड़े पर बोलने की सजा आज उन्हें मिल रही है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे जेल में डालना चाहिए। वहीं इस मामले में मलिक का परिवार और मलिक के ट्विटर अकाउंट से भी तुरंत रिएक्शन आने शुरू हो गए। मलिक के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए आर्यन खान मामले में पहला रिएक्शन आया। ट्वीट में कहा गया कि अब जब आर्यन खान और 5 अन्य को क्लीन चिट मिल गई है, तो क्या एनसीबी समीर वानखेड़े और उनकी टीम और उनकी प्राइवेट आर्मी के खिलाफ कार्रवाई करेगी या फिर दोषियों को छोड़ दिया जाएगा? अब इसी के साथ मलिक की बेटी नीलोफर मलिक और सना मलिक ने भी अपने ट्विटर से एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और समीर वानखेड़े पर कार्रवाई की मांग करना शुरू कर दी। दोनों बेटियों ने अलग अलग लोगों के ट्वीट्स को रीट्वीट कर अपना गुस्सा जाहिर किया। मलिक की बेटी सना मलिक ने उस ट्वीट को भी रीट्वीट किया जो कि पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा किया गया था, जिसमें चिदम्बरम ने पूछा था कि आर्यन को जो मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। साथ ही साथ इस ट्वीट में यह भी कहा गया कि जांच एजेंसी बीजेपी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। साथ ही चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि पहले जांच हुआ करती थी और फिर गिरफ्तारी, मगर अब पहले गिरफ्तारी होती है और फिर जांच, जो कि कानून की पूरी तरह अवहेलना है। कुल मिलाकर आर्यन को क्लीन चिट मिलने से मलिक और उनके परिवार को खुशी कम बल्कि गुस्सा ज्यादा है, क्योंकि जिस मलिक की वजह से ये सब संभव हो पाया, वो मलिक खुद इस वक्त जेल में हैं और गंभीर आरोप झेल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आर्यन को क्लीन चिट मिलते ही आखिर क्यों मलिक और उनका परिवार इतनी बुरी तरह भड़क उठा है? क्या आर्यन को मिली क्लीन चिट से मलिक के केस पर कोई असर पड़ेगा, या फिर मलिक और उनके परिवार का असली गुस्सा इस वजह से है कि वो खुद जेल में हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।